केएसआरटीसी ने 2022 में 3,349 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व कमाया है। महामारी से पहले परिवहन मंत्रालय ने 2019 में 3,182 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया था। 2020 में यह आय घटकर 157 करोड़ रुपए रह गई थी। 2022 में 93 करोड़, इससे परिवहन निगम को घाटा हो रहा था। अब निगम को 3,349 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है और लगता है कि इसमें कुछ सुधार हुआ है। इसे अब तक का रिकॉर्ड रेवेन्यू बताया जा रहा है। रिश्वतखोरी मामला, अदालत ने मदल विरूपक्षप्पा के बेटे प्रशांत मदल को सशर्त जमानत दी। हाई कोर्ट ने बेंगलुरु जलमंडल BWSSB के मुख्य लेखाकार प्रशांत मदल को सशर्त जमानत दे दी, जिसे लोकायुक्त ने एक ठेकेदार से 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। बेंगलुरु मदुरै मंडल के मालवित्तन रेलवे स्टेशन से हावेरी स्टेशन तक 2,408 टन उर्वरक बैग ले जा रही मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे 12 ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। घटना में कोई कर्मी घायल नहीं हुआ है। ट्रेन के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर सुरक्षित बताए गए हैं। घटना के बाद इस रूट पर चलने वाली 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और 8 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। रिपोर्टों में कहा गया है कि वर्तमान में मार्ग बंद है और बहाली का काम चल रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, JDS को BRS का समर्थन, कुमारस्वामी के लिए KCR का प्रचार। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति कर्नाटक विधानसभा चुनाव में JDS का समर्थन कर रही है और उसने किसी भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारने का फैसला किया है, क्योंकि 10 मई को होने वाले चुनाव में उसकी सहयोगी पार्टी मैदान में है। रामनगर, KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार को बड़ी राहत मिलती दिख रही है, क्योंकि कनकपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जमा किए गए उनके नामांकन पत्र को मंजूरी दे दी गई है। नामांकन पत्र में कोई चूक नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित है। इस प्रकार कनकपुर के चुनाव अधिकारी ने DK शिवकुमार द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र को मान्य कर दिया है। DK शिवकुमार चिंतित थे कि संपत्ति और कर गणना की समस्याओं के कारण उनका नामांकन खारिज कर दिया जाएगा, इसलिए एहतियात के तौर पर उनके भाई DK सुरेश ने अंतिम समय में उनसे कनकपुर निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र भी जमा कराया। होसपेट, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी नामांकन पत्र में अन्य जानकारियों के साथ अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दे रहे हैं। अब विजयनगर निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने पुष्टि की है कि संपत्ति के विवरण के साथ उनकी 2 पत्नियां हैं। जयनगर विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार दशरा शंकर की 2 पत्नियां और 4 बच्चे हैं। दशहरा शंकर ने 2 पत्नियां होने का उल्लेख किया है। ये जानकारी नोटरीकृत हलफनामे में निहित है।